हेलो, सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के वेक्टर अलजेब्रा का प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स आई मैन जे ऑन द वेक्टर आई प्लस जे। प्रोजेक्शन के लिए मैंने आपको फार्मूला भी बोला और वो मैंने डिफाइन भी किया है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये किसके बराबर होता है? पहले वेक्टर को डॉट करना होता है दूसरे वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ। ए वेक्टर डॉट ऑफ बी के, और आपको ये भी पता है बी के किसके बराबर होता है? बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मैंने आपको ये दोनों फार्मूला बोला है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी किसके बराबर होता है और यूनिट वेक्टर आपको ऑलरेडी पता होगा। अब पहला वेक्टर जो है इसको हम नाम रखेंगे ए। लेट ए इक्वल आई माइनस जे, जो दूसरा है आई प्लस जे, इसको हम बी वेक्टर से नाम लिखेंगे, बी इक्वल आई प्लस जे। अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ निकालना है, आपको ए वेक्टर को डॉट करना है बी कैप के साथ। पहले हम बी कैप निकालेंगे, फिर ए को हम बी के साथ डॉट करेंगे। बी कैप किसके बराबर होता है? बी कैप इक्वल टू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर का वैल्यू क्या है? आई प्लस जे डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? आई कंपोनेंट को स्क्वायर करने है और जे कंपोनेंट को स्क्वायर करने है, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इक्वल आई प्लस जे डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर का वैल्यू वन होता है, वन प्लस वन दैट इज टू। हम अलग अलग भी दे सकते हैं, वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टू आई प्लस वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टू जे। ये हो गया बी के, यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर हमने निकाला। अब आपको प्रोजेक्शन निकालना है। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, वो किसके बराबर होता है? ए वेक्टर डॉट ऑफ बी के, मैंने बी के भी निकाला और ए वेक्टर आपको ऑलरेडी पता है, आई मैंने जे, आई मैन जे डॉट ऑफ बी कैप का वैल्यू क्या है? वन अपॉन रूट टू आई प्लस वन अपॉन रूट टू जे, आई प्लस जे डिवाइडेड बाय रूट टू। हम रूट टू को बाहर निकालेंगे, वो क्या आएगा? आई माइनस जे डॉट ऑफ आई प्लस जे डिवाइडेड बाय वन अपॉन रूट टू। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे हम करते हैं? I को I के साथ मल्टीप्लाई करना है, J को J के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है I डॉट I किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। J डॉट J किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। K डॉट K किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। अगर हम I को J के साथ डॉट करेंगे वो 0 के बराबर होता है। I डॉट J इक्वल टू J डॉट K इक्वल टू K डॉट I, ये तीनों 0 के बराबर होता है क्योंकि इनका आपस में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। कॉस ऑफ 90 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तब हम क्या करेंगे? वन अपर रूट टू वापस आएगा। अब आई को आई के साथ करना है, आई डॉट आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई स्क्वायर दैट इज वन। जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे डॉट जे दैट इज वन। माइनस प्लस कितना होता है? माइनस वन। अब क्या आएगा? वन अपर रूट टू, वन माइनस वन कितना होता है? जीरो। वन बाय रूट टू इंटू जीरो कितना होगा? 0 के बराबर होगा। ये आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी था। अब दूसरा क्वेश्चन है इसके बाद, शो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स आई प्लस थ्री जे प्लस सेवन के ऑन द वेक्टर सेवन आई माइनस जे प्लस एट के। अब दूसरा यही क्वेश्चन है मगर पार्ट दूसरा है, आई प्लस थ्री जे प्लस सेवन के ऑन द वेक्टर सेवन आई माइनस जे प्लस एट के। फिर से प्रोजेक्शन निकालना है। पहले वेक्टर को हम ए नाम रखेंगे, दूसरे वेक्टर को हम बी नाम रखेंगे, बी वेक्टर को हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। पहले बी वेक्टर को हमें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। ये ए वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर। लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस थ्री जे प्लस सेवन के, बी वेक्टर इक्वल सेवन आई माइनस जे प्लस एट के। पहले हमें जब भी प्रोजेक्शन निकालना है,
पहले दूसरे वेक्टर को यूनिट वेक्टर निकालना जरूरी है। यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को पहले मैग्नीट्यूड निकालना है। मैं यहां डायरेक्शन रेशियोज भी लिखूं, डायरेक्शन रेशियोज यहां बी का क्यों कौन कौन है, 7-1 8। बी के किसके बराबर होता है, बी वैक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर इक्वल बी वैक्टर का वैल्यू क्या आएगा, 7i-j+8k डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आई का स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर इक्वल 7i-j+8k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर कितना होता है 49, -1 स्क्वायर कितना होता है +1, 8 स्क्वायर कितना होता है 64। पहले यहां डिनोमिनेटर को जमा करना है किस किस को, 49 को 64 को 1 को, 49 हो गया 50, 64 को जमा करना है, 0 और 4 हो गया 4, 5 और 6 हो गया 11, 114। अब यहां क्या आएगा, 7i-j+8k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 114। अब आपको क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द बी वेक्टर, वो किसके बराबर होता है, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी कैप। हमने बी कैप भी सामने रखा है, ए वेक्टर ऑलरेडी सामने है, हम फार्मूला लगा सकते हैं। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द बी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर। अब आपको ए वेक्टर का वैल्यू देना है, ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, i+3j+7k डॉट बी वेक्टर का वैल्यू क्या है, 7i-j+8k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 114। अब हम डॉट कैसे करते हैं, a1 a2+b1 b2+c1 c2, सीधे आई को आई के साथ ऑड करना है, जे को जे के साथ ऑड करना है, के को के के साथ ऑड करना है। आई को जे के साथ क्यों नहीं करना है, इसीलिए नहीं करना है क्योंकि हमें पता है आई डॉट जे 0 के बराबर होता है, आई डॉट आई 1 के बराबर होता है, इसीलिए यहां 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 144 हम बाहर भी निकाल सकते हैं, 1 × 7 7 आई डॉट आई 1, 3 × -1 -3 जे डॉट जे 1 के बराबर होता है, 7 × 8 = 56 जे के डॉट के 1 के बराबर होता है। अब क्या आएगा, 1/√144 यहां 56 को 7 के साथ पहले जमा करना है, वो कितना आएगा 63-3। अब 63 को माइनस करना है 3 के साथ, वो कितना आएगा 60 1/√144 यहां आएगा 60। अब अगर आपको यहां सॉल्व करना है तब आपको पहले 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, 114 है, हमें 114 का क्या करना है, एलसीएम 114, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14। अब आपको क्या करना है, 3 से यहां होगा, 3 × 1 = 3, यहां 2 आया 27 बना, 3 × 9 = 27, 2 × 3 × √19। अब क्या आएगा, ऐसे रखो 60 / √144 क्योंकि यहां जोड़ी नहीं हुआ, हम यहां पर ही रख सकते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये प्रोजेक्शन का था, अब हमें आगे पढ़ना है यूनिट वेक्टर, पहले वेक्टर को निकालना है, दूसरा हमें पढ़ना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी अगर 0 के बराबर आया तब हम बोल सकते हैं दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ए डॉट बी का माने है दो चीज है, वो हम यहां डिफाइन करेंगे। ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, अगर ए डॉट बी 0 के बराबर होता, इसका मतलब है या ए वेक्टर बी के 0 के बराबर होना चाहिए या बी वेक्टर 0 के बराबर होना चाहिए। अगर ए वेक्टर 0 के बराबर है, 0 × b वेक्टर 0 के बराबर होगा, अगर बी वेक्टर 0 के बराबर है, a × 0 = 0। अगर ए डॉट बी 0 के बराबर है, या तो ए वेक्टर 0 के बराबर होना चाहिए या तो बी वेक्टर 0 के बराबर होना चाहिए, या ए और बी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। दो माने ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 का मतलब दो माने रखता है, इधर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, या
ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। का मतलब क्या है, ए वेक्टर जीरो के बराबर होना चाहिए या बी वेक्टर जीरो के बराबर होना चाहिए या ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन अगर ऐसा होगा, शो दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो के बराबर आया तब हम बोलेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर जीरो के बराबर नहीं आया तब हम बोलेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे, थैंक यू।